समय हो रहा है 2:30 और ये है आपका वॉरियर प्रो बैच, जिसमें कि हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं फाउंडेशन क्लास 01। ओके, ऐसे एस्पायरेंट जो 2024 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये बैच है। अब चाहे 2024 में SBI या फिर RBI या फिर IBPS किसी भी बैंकिंग एग्जाम को वो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये मेरे दोस्त बैच रहने वाला है। हमेशा से कहता हूं मेरे दोस्त कि पिछला बैच अगले बैच मतलब अगला बैच पिछले बैच से बेहतर होगा, ये बैच अभी तक जितने भी बैचेस आए हैं उनसे सबसे बेहतर होगा, क्योंकि इस बीच कम से कम मेंस एग्जामिनेशन है, तो बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं रहेगा मेरे ऊपर और बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं होगा। बस इस बैच पे मुझे ज्यादा फोकस करना होगा मेरे भाई, और इस बैच पे फोकस करने का मेरा मतलब रहेगा कि कैसे मैं हर एक वो चीज जो मेरे को देनी है उसको मैं बेस्ट प्रेजेंट कर सकता हूँ। अभी तक आपको मेरे दोस्त हर चीज बेस्ट प्रेजेंट किए, बट हाँ और बेहतर तरीके से कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ वो आपको इस बैच में देखने को मिलेगा। ओके, सो सबसे पहले तो आप लोग कैसे हैं ये बताइए मेरे को। ऑल ओके सर, डू वी नीड टू प्रिपेयर नोट्स? देखो इसके नोट्स तो आपको बनाने होंगे, इसके नोट्स तो बनाने होंगे, PDF मिलेगी बकायदा, बट इसके फिर भी नोट्स आपको बनाने होंगे, क्योंकि यहां पर हम लोग मेरे दोस्त पढ़ने से ज्यादा मजा लेंगे और मजा मेरे भाई आपको उतारना पड़ेगा अपने नोटबुक में। ओके, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया, भला चंगा मेरे दोस्त। राधे 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 राधे। आज देख लो कल बना लेना। देखो स्ट्रेटजी ऐसे रखना कि 3 दिन क्लास है हमारी, मंडे वेंसडे और फ्राइडे। अब मंडे को क्लास होगी, वेंसडे को क्लास होगी, फ्राइडे को क्लास होगी, सेम डे मत बनाओ। आपके पास टाइम है नेक्स्ट ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे और संडे का, अब इन बीच नोट्स बना लो। इसीलिए मैंने रेगुलर नहीं रखी है क्लासेस, कि अगर रेगुलर क्लासेस होती हैं तो बस ये रहता है कि यार पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, समय नहीं मिल रहा नोट्स बनाने का। ओके डन, चैट ऑफ कर दीजिए। चलिए मेरे भाई, जय श्री गणेश नमः। मेरे भाई शुरुआत करते हैं और बहुत बेहतर शुरुआत की तरफ आगे बढ़ते हैं। वॉरियर प्रो बैच, जिसमें आपको सारथी नाम से बैच मिल रहा है, जिन्होंने सारथी लिया होगा दिस इज अ पार्ट ऑफ वॉरियर प्रो बैच, और जिन्होंने सिर्फ वॉरियर प्रो बैच लिया है उसमें आपको सारथी जैसे और बैचेस भी मिलते रहेंगे। ओके, इसे मैं अपने ड्रीम बैच इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस बैच में और ये कंटेंट तैयार करने में। ये यूट्यूब पे कंटेंट आपको बहुत रेयर देखने को मिलेगा, ठीक है, यहीं पर आपको सारी चीजें एकदम एकदम फर्स्ट क्लास देखने को मिलेंगे। ओके, जैसे कि एक बच्चे का जन्म होता है ना तो माँ बाप उसे धीमे 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 बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, कहा जाता है कि वो उसकी लाइफ का बेसिक है। अब ये मैं चीजें इसलिए समझता हूँ क्योंकि मेरी बिटिया का जन्म हुआ है तो मुझे पता है कि हाँ उसे कैसे कैसी चीजें सिखानी है, धीरे 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 उसके पालन पोषण में मुझे कैसे चीजों को बेहतर करना है, तो मैं उसका फाउंडेशन बेहतर करना चाहता हूँ, चाहे वो संस्कारों के फॉर्म में हो, चाहे वो नॉलेज के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी के फॉर्म में हो। ऐसे ही अगर हम ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्लासेस शुरू कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें फाउंडेशन के तौर पर हम लोग देखेंगे। जैसे कि एक शब्द आएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन, मैं इस शब्द को हमेशा पहली बार में ही पढ़ाना पसंद इसलिए करता हूं क्योंकि बहुत बार देखने को मिलता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वित्तीय समावेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन? ये इंटरव्यू में भी बहुत मदद करेगा, इंटरव्यू के लिए भी है भाई ये। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन? वित्तीय समावेशन का मतलब क्या है? वित्तीय समावेशन अब देखो मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं? गांव से नहीं बिलोंग करते ना यार, 99% करते होंगे, एक आध होगा जो फॉरेनर होगा यहाँ पर, ठीक है, बाकी सब देसी, अपन देसी है मेरे भाई, अपन को पता अपन गांव से आया है, ठीक है, अपन के यहाँ पे शौचालय नहीं होता था, खुले में शौच करने के लिए जाते थे, मोदी जी ने हमारी वजह से ये शौच मतलब खुले में शौच मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया था। कह रहे थे ये शहर वाले गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए गांव जाते हैं और एक गांव में जाने के बाद ऐसी तैसी करके आते हैं, तो ठीक है उन्होंने कैंपेन ही ऐसा रन करा दिया था मेरे भाई, समझ रहे हो। तो हम लोग जो गांव गए तो गांव में अभी हाल फिलहाल आप जाना पता करना तो काफी कुछ लोग काफी लोग होते हैं जो अभी ATM रखना पसंद नहीं करते। आपको पता है ATM रखना, अभी भी काफी लोग हैं जो ATM रखना पसंद नहीं करते, डर लगता है उनको। जैसे अपने मदर फादर से बात करना, बहुत सारे लोग होंगे जैसे मेरे पिताजी हैं, अभी भी ATM मतलब उनका शौक ही नहीं है, उनको पैसे वाली बात नहीं, उनको शौक ही नहीं है, वो अभी भी कहते कि नहीं यार मेरे पास चेकबुक है, मैं जाऊंगा पैसा चेकबुक से निकाल लूंगा, चलो वो तो शहर में रह रहे हैं। काफी लोग है कि नहीं है ऐसे हैं,
क्योंकि लोग ना चीजों को एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। एडॉप्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको उसके बेहतर के बारे में पता नहीं होता। जैसे अभी वॉरियर बैच में स्टूडेंट है, अभी बहुत सारे लोग इसको नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे? क्योंकि उनको पता नहीं है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। ऐसी बहुत सारे लोगों को मेरे दोस्त उसके बारे में पता नहीं होता है कि यार ये एटीएम कितना बेहतर छोटा सा कार्ड है, आप कहीं पर भी जाइए उससे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। बट उनको डर लगता है यार किसी और ने एटीएम हमारा यूज कर लिया, हमारे पैसे चले गए, हम अगर कंगाल हो गए तो भाई, तो भैया सब कुछ रोड पे आ जाएंगे, तो ऐसे उनको डर लगता है, तो इसलिए वो यहां पर नहीं यूज करते। लेकिन यार दोस्त, सरकार तो चाहती है कि हर कोई व्यक्ति जो भी उसके प्रोडक्ट है उन सभी को वो इस्तेमाल करे, हर किसी को फाइनेंशियल अवेयरनेस अवेयर करना चाहती है। बताइए मेरे भाई, करना चाहती कि नहीं करना चाहती? डायरेक्ट ऑफिस आकर क्लास कराइए यार, कंटेंट पे प्लीज फोकस करो। मैं बोर्ड पे इतना मुझे बढ़िया नहीं लगता पढ़ाना मेरे दोस्त, ठीक है? प्लीज कंटेंट पे फोकस करो। और मेरे लिए डॉक्टर ने नहीं क्लियर बोला है कि मैं 30 से 35 मिनट से ज्यादा की ना सिटिंग बराबर कर सकता हूँ ना बराबर खड़ा हो सकता हूँ। तो इसलिए मेरे भाई प्लीज सपोर्ट करो। कंटेंट वाइज अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो, कहीं पर चैलेंज आए, तो मतलब तुम लोग मेरे दोस्त मेल ठोक देना। अरे कंटेंट में आपको लगे नहीं यार सर मजा नहीं आ रहा है, या मैं एग्जाम ओरिएंटेड लेके नहीं चल रहा हूं, एक-एक नंबर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी मेरे भाई, पूरा आरएनडी होगी, पूरी आरएनडी। और ये बैच में मैंने बोला ना एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे, तो आज की क्लास होगी, आज की क्लास के एमसीक्यू कल की शुरुआत में होंगे, कल के एमसीक्यूज परसों की शुरुआत में होंगे, आपको ऐसे एमसीक्यूज मिलेंगे। ओके, तो प्लीज फोकस। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, वित्तीय समावेशन की बात कर। अब वित्तीय समावेशन का मतलब क्या होता है? वित्तीय समावेशन का मतलब ये है कि ऐसे लोग, ऐसे क्षेत्र जहां पर भी बैंकिंग सर्विसेज नहीं है। अब आप कहोगे सर बैंकिंग सर्विसेज नहीं है मतलब कि ऐसे क्षेत्र जहां पर बैंक नहीं है, जहां पर बैंक की ब्रांच नहीं है, मतलब तो वही हुआ, ऐसे क्षेत्र जहां पर बैंक नहीं, बैंक की ब्रांच नहीं है, उन क्षेत्रों तक, ठीक है, उन क्षेत्रों तक मेरे दोस्त बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाना। क्या पहुंचाना? बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाना वित्तीय समावेशन कहलाता है। मेरे गांव में बैंक नहीं है, मेरे गांव में भी बैंक नहीं है, ठीक है? अब ये बैंकिंग सर्विसेज कैसे पहुंचेंगी? अब देखो यार, क्लासेस आप तक कैसे पहुंच रही है? मेरे माध्यम से ना भाई। कंपनी चाहती है हर एक बच्चे को बैंकर बनाना, कंपनी का उद्देश्य। अब कंपनी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो कंपनी किसी ना किसी को तो अपॉइंट करेगी। मेरे को उन्होंने अपॉइंट किया, सैलरी दे, दिहाड़ी मजदूर हूं मेरे भाई, आज खाऊंगा मतलब आज गड्ढा खोदूंगा, आज घर ले जाऊंगा, आज घर चलेगा मेरे भाई, यही चलता है। ऐसे यहां पर बैंकिंग सर्विसेज इन क्षेत्रों में पहुंचानी है, ऐसे लोगों तक पहुंचानी है जहां पर कि लोग अवेयर ही नहीं है बैंकिंग की सर्विसेज के बारे में, अकाउंट उनका खुला ही नहीं है कभी। इन तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत होती है। इस व्यक्ति को नाम दिया गया है बैंक मित्र। क्या नाम दिया गया बेटा? बैंक मित्र। आपके काफी मित्र होते हैं ना मेरे भाई, ठीक है? उसमें से एक और मित्र जोड़ लो अपने जीवन में, बैंक मित्र। ओके, बैंक मित्र, क्लियर? अब ये बैंक मित्र जाएगा, जैसे गांव गांव में आपने देखा होगा, मुझे वो याद आता है, नानी के यहां में जब 2 महीने जाता था तो मैं देखता था कि उस टाइम पर कुछ लेडीज होती थी, ठीक है, वो आती थी पोलियो पिलाने के लिए, डोर टू डोर जाती थी, नॉक करती थी, आपके यहाँ पर कोई इतने छोटा साल का, इतने एज का बच्चा है? तो हम बोलते थे हाँ हमारे यहाँ इतने एज का बच्चा है, तो वो उसको मेरे भाई पोलियो ड्रॉप पिलाती थी। ऐसा होता था? यस और नो? ऐसा होता था ना मेरे भाई। अब सरकार ये क्या कर रही है? मेडिकल सुविधाएं, अरे वहां हॉस्पिटल नहीं है लेकिन सरकार चाहती है कि दोस्त मेडिकल सुविधाएं पहुंचे, तो वो वहां पर इन महिलाओं का इस्तेमाल करती हैं, उन महिलाओं को बोलते हैं आशा वर्कर, आशा वर्कर। ऐसे ही मेरे भाई बैंक भी क्या कर रहा है, इसी तर्ज पर अपनी बैंकिंग सर्विसेज जगह जगह तक पहुंचाना चाहता है, ऐसे क्षेत्रों तक पहुंचाना चाहता है जहां पर बैंकिंग सर्विसेज नहीं है, जहां पर बैंक नहीं है, जहां पर बैंक की ब्रांच नहीं है। तो मेरे भाई उस तक पहुंचाने के लिए हमें जरूरत पड़ती बैंक मित्र की। इस बैंक मित्र को हम लोग बोलते हैं बिजनेस करस्पॉन्डेंट। कहीं जगह आपको ये बैंकिंग करस्पॉन्डेंट भी लिखा मिलेगा। क्या बोलते हैं इसको? बीसी मॉडल। कुछ और मत पढ़िएगा मेरे भाई, बीसी मॉडल, बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल। बात समझ में आ गई? मजा आ रहा है मेरे भाई? ए मित्रों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ पहले। हमारे एरिया में बैंक मित्र है बट हम कम कराते हैं। अच्छा, अमूजी कह देनी है,
शुरुआत में जब आए थे मोदी जी ने एक आध बार पेट्रोल कम कर दी थी, शुरुआत में की थी, देखो मैं आया हूँ पेट्रोल कम हुई कि नहीं हुई। पता नहीं मोदी जी को किस बात की नजर लगी, मेरे भाई फिर उसके बाद कम ही नहीं हुई। मजा आ रहा है, क्लियर हो रहा है सारी चीजें, चीजों को समझने की कोशिश करना। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कुछ नहीं है, सिर्फ एक मेरे दोस्त सरकार की पहल है कि वो चाहता है कि यार दोस्त जो लोग जानते ही नहीं है चीजों को, उनको उनको जनवाना है, मतलब उनको उसके बारे में अवेयर करना है, फाइनेंशियल लिटरेसी को लोगों के बीच में बढ़ाना है, लोगों को बैंकिंग सर्विसेज से जोड़ना है। वो आएंगे बैंक में खाता खुलवाएंगे, बैंक में पैसा जमा करेंगे, उनको बचत होगी तो वो जमा करेंगे, उनको उसके बदले ब्याज मिलेगी, ब्याज मिलेगी तो इसका मतलब उनका और इंटरेस्ट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट बढ़ेगा मेरे मतलब वो और पैसा जमा करेंगे, फिर उनको जब जरूरत होगी तो वो बैंक से लोन भी लेंगे, बैंक को प्रॉफिट होगा, सिस्टम स्मूथली रन करेगा। ये सब किसका पार्ट है? वित्तीय समावेशन का पार्ट है। सर ये बिजनेस करस्पोंडेंट ही है, फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं या पहुंचवाते हैं? हाँ जी मेरे भाई, इसमें एक और आता है, ठीक है, एक बिजनेस करस्पोंडेंट होता है और एक और होता है बेटा बीएफ, बिजनेस फैसिलिटेटर। ओके, बिजनेस फैसिलिटेटर। बिजनेस फैसिलिटेटर का काम क्या है मेरे भाई? इसका काम है लोगों को बैंकिंग सर्विसेज के बारे में बताना, लेकिन उन सुविधाओं को देने का काम किसका? बिजनेस करस्पोंडेंट का। लेकिन हम मेनली बोलते यही है कि ये एक बीसी मॉडल है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक उदाहरण है। बात समझ में आई? बात क्लियर हुई मेरे भाई? ऑल ओके? okay? छोटा सा बैकग्राउंड है वो यहां पर हम लोग समझेंगे और बेहतर तरीके से। 2005 की बात थी, सरकार का उद्देश्य था फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना, लेकिन काफी लोग अकाउंट नहीं खुलवा रहे थे। उसका ना खुलवाने का एक बहुत बड़ा एक रीजन उन्होंने कोट किया, उन्होंने बताया कि हमें बैंक में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको एक अमाउंट पे करना पड़ता है एज अ पेनल्टी। वो 300 रुपये 400 रुपये आपका हो सकता है, ये आपको पता है, आप लोगों को पता है ये वाली बात कि अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, बैंक में खाता खुलवाते हैं तो आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है, आइदर 1000 2000। प्राइवेट बैंक में जाओगे थोड़ा ह्यूज अमाउंट है, करंट अकाउंट ओपन कराओगे तो वहां पर आपका 1 लाख मेंटेन करना पड़ता है, रियलिटी है। करंट अकाउंट अगर आपका है ना मेरे भाई, तो आपको 1 लाख रुपए भी मिनिमम मेंटेन करना पड़ेगा, 2 लाख भी नहीं तो फिर आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और सेविंग अकाउंट वालों को अगर मिनिमम मेंटेन नहीं है तो पेनल्टी पे करनी पड़ती है। बात समझ में आ रही है? तो 2005 में यहां पर सरकार एक अकाउंट लेकर आती है, इस अकाउंट को उन्होंने नाम दिया नो फ्रिल अकाउंट। क्या नाम दिया बेटा? नो फ्रिल अकाउंट। अब इसमें क्या बेहतरीन था? तो बेहतरीन क्या था इसमें? इसमें सबसे बढ़िया जो सुविधा दी थी वो ये थी, नो मिनिमम बैलेंस। मतलब यहां पर इन्होंने बोला कि मिनिमम बैलेंस के लिए, कि ये जो मिनिमम बैलेंस होगा इस नो फ्रिल अकाउंट में, इट विल बी 0 या फिर नॉमिनल। नॉमिनल मतलब नाम मात्र का, ठीक है, नाम मात्र। क्लियर हो रहा है? सर खुद को हाइड कर लो। अरे यार ले बेटा, हाइड कर लिया, खुश बोल के तो देखो एक बार। तुम बोलोगे क्लास नहीं लेनी, क्लास बंद करनी, 1 मिनट में बंद कर दूंगा मेरे भाई, बताओ बंद कर दूं? तुम बोलो तो सही, एक बार बोल के देखो तो सही। तुम्हारा भाई अगर ना करे तो बात करना मेरे भाई, बंद कर दूं? बताओ कर दूं बंद? 1 मिनट को कहां से एंड होता हो, बोल के तो देखो मेरे भाई। नो फ्रिल अकाउंट की बात हो रही है, 2005 में मेरे दोस्त सरकार कौन सा खाता लेकर आई है? नो फ्रिल अकाउंट। ओके, अब नो फ्रिल अकाउंट यार दोस्त तुम लोगों से ये, अच्छा हाँ देखो, हमारी शादी थी तो मम्मियां साड़ी पे साड़ी, साड़ी पे साड़ी खरीद रही थी। अब कभी कुछ खरीदती नहीं, लेकिन आदत क्या है ना, 1 लाख रुपए के कपड़े खरीद लेंगे फिर भी 500 रुपए का गिफ्ट जरूर चाहिए। भैया इसके साथ गिफ्ट क्या मिलेगा? ठीक है, गाड़ियां खरीद के लाए। अरे ये बताओ, 2016-17 की बात है, पिताजी ने मेरे दोस्त गाड़ी खरीदी थी उस दौरान, तो मेरे भाई पिताजी वहीं पर, अरे इसके साथ गिफ्ट क्या दे रहे हो? गिफ्ट होता नहीं होता मेरे भाई। तो
तो यहां पर भी ना लोगों का ना एक कहीं ना कहीं वो है ह्यूमन साइकोलॉजी मेरे भाई, कि नहीं यार हमें कुछ ना कुछ इसके साथ फ्री मिले, गिफ्ट मिले, डिस्काउंट मिले, तब मजा आएगा। ऐसे लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, तो लोग अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि यार ये जो मिनिमम बैलेंस है ना इसको हम जीरो कर देते हैं। ठीक है, इस मिनिमम बैलेंस को क्या कर देते हैं बेटा, जीरो कर देते हैं। और जीरो कर देंगे मिनिमम बैलेंस, तो इसका मतलब ये होगा लोग ज्यादा से ज्यादा अकाउंट खुलवाना पसंद करेंगे। बात समझ में आ रही है, बात क्लियर हो रही है मेरे भाई? यस और नो? नॉमिनल का मतलब ये है कि यार वो ना उसको बहुत मोहब्बत करता है, बहुत मोहब्बत करता है उसको। मैं अक्सर देखता हूँ या मैं अक्सर देखती हूँ उसे खूब बातें करता है, उसको समझता है। तेरी मोहब्बत कहाँ गई, नाम मात्र की मोहब्बत रह गई है तेरी, नाम मात्र की। करता तो तू भी है, करती तो तू भी है, लेकिन नाम मात्र की रह गई है, नॉमिनल, नॉमिनल। एक मिनट यार बच्ची, एक सेकंड होना। नाम मात्र की मोहब्बत मतलब नॉमिनल, कर तो रहे हैं बहुत, नाम मात्र का। 100 रुपए बैलेंस हो, 200 रुपए बैलेंस हो, 50 रुपए बैलेंस हो, बात समझ में आ रही है? ठीक है यार, ये मम्मी बचपन में क्या बोलती थी यार, ये बहुत नाम मात्र का खाता है। नाम मात्र का मतलब जितना खाना चाहिए उससे बहुत कम खाता है, नॉमिनल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? डन डन, आगे बढ़ते हैं। इसी 2005 में इस चैनल का नाम बदलकर मेरे दोस्त क्या कर दिया गया, BSBDA। ओके, देखो सरकार है कोई भी है, नाम बदलने में माहिर है। जैसे अभी अलीगढ़ को हरिगढ़ किया गया है मेरे भाई, ठीक है, सरकार ने, उसी तरीके से मेरे दोस्त यहां पर इसका भी नाम बदल गया 2005 से 2012 आते 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 इसका नाम बदल कर भी क्या कर दिया गया मेरे भाई, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। मेरे साथ बोला करिए, इस वाले सॉफ्टवेयर में बस एक छोटा सा मेरे को लूपहोल लगता है, वो ये है कि मैं आपको देख नहीं सकता हूं, ठीक है, लेकिन पिछले वाले सॉफ्टवेयर में क्या था कि मैं आपको देख सकता था, तो मुझे मजा आता था। और जब मैं तुम्हारा एक्सप्रेशन देखता था, तुम लोग कुछ भी करते रहते होते, लेकिन इसमें नहीं देख पाता हूं, तो प्लीज मेरे साथ बोलते रहिए, करिए, बोलते रहा करिए। इसका नाम बदलकर 2012 में क्या कर दिया गया मेरे भाई, BSBDA। इसको बोलते बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। क्लियर है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। कोई डाउट यहां तक? सर बैंकिंग अवेयरनेस फाइनेंशियल अवेयरनेस सेम है बेटा, बिल्कुल सेम है, बैंकिंग अवेयरनेस फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, ऑल क्लियर? इसी, अब मोदी जी आए, मोदी जी आएंगे कुछ नहीं करेंगे। मोदी जी ना मतलब पैकिंग में देखो, मोदी जी ना हमारी मम्मियों से बहुत इंस्पायर है, और मुझे लगता है मोदी जी लेडीज से बहुत इंस्पायर है। अब आप पूछिए सर लेडीज से कैसे इंस्पायर है? देखो मम्मियां क्या करती हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक साड़ी का डिब्बा मिला मम्मी को, ठीक है, समझिएगा। अब मम्मी किसी की शादी में गई, उनको एक साड़ी मिली, पापा के लिए पैंट शर्ट के कपड़े मिले। ऐसा होता है, नहीं होता है? होता है ना, आपकी मम्मी अभी जाती होंगी, उनको साड़ी मिलती होगी, पैंट शर्ट के कपड़े मिलते होंगे। मम्मियां लोग उसको पहनती नहीं है ना, पापा लोगों को सिलवाने देती हैं, मम्मियां लोग उसको स्टॉक करती हैं। स्टॉक क्या करेंगी, बेड के अंदर जो बेड के बॉक्स बने हुए हैं उसमें स्टॉक करेंगी, और इन डिब्बों को उसमें रखवाती हैं। बेटा आशीष, बेटा छोटू, बेड को उठाना, दो साड़ी और आई है अंदर रख दो, दो पैंट शर्ट के कपड़े और आए उसको अंदर रख दो। अब हमने अंदर तो रख दिए मेरे भाई, अब मम्मियां क्या इंतजार करती हैं कि कोई अगर घर पे रिलेटिव आया तो अब उसको क्या दिया जाए गिफ्ट के तौर पे, तो इसी को मेरे दोस्त पैक किया जाता है, इसी को पैक किया जाता है, और ये गिफ्ट मेरे दोस्त दिया जाता है। वो तो भगवान का शुक्र है किसी के पास मेरे भाई उन्हीं का नहीं पहुंच पाता, इतनी प्लानिंग तंदुरुस्त होती है, नहीं तो मेरे भाई चलता यही है कि ये आया तो इसको गया, ये आया तो इसको गया, ये आया तो इसको गया। आप लोग भी यार इस चीज को कहीं ना कहीं फील करते होंगे अपने घर पे, ऐसा है कि नहीं है? होता होगा। मोदी जी काफी इंस्पायर है, वो योजनाओं को पैक करने में बहुत माहिर है। उन्होंने BSBDA के साथ क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं आया हूं तो कुछ तो लेकर आऊंगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये सब वित्तीय समावेशन के उदाहरण है। नो फ्रिल अकाउंट, BSBDA, प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की मोदी जी ने, मोदी जी ने कहा इसमें भी कोई बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके तहत जिस अकाउंट को उन्होंने कनेक्ट किया वो था आपका BSBDA अकाउंट। मतलब अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना में अगर आप खाता खुलवाते तो आपको पता है कौन सा खाता खुलता है आपका, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ऐसा ही होता हमारे घर पर भी। वाह नेहा, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, मुझे पता है हम लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे अलग नहीं है, मम्मी पापा सबकी इंटेंट एक ही है।
ठीक है, बात समझ में आई मेरे भाई? 2005 में, 2005 में नोफरेल अकाउंट को उठाकर बेटा, 2005 में नोफरेल अकाउंट लाए लोगों को कनेक्ट करने के लिए, जीरो बैलेंस, लोगों को अट्रैक्ट किया, लोग आए आए आए। 2012 में मेरे भाई उसका नाम बदल दिया, बीएसबीडीए, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। फिर मोदी जी आए, वो नहीं था, मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। बेटा अच्छे दिन आ गए, कैसे अच्छे दिन आ गए, नाम बदल दिया आते ही मेरे भाई। नाम नहीं बदला तो यू समझ लो योजना लाए, एक योजना में जो अकाउंट पुराना था उसी अकाउंट को बेटा कनेक्ट कर दिया कि अब इसमें जो खाता खुलेगा बचत खाता खुलेगा, बट बचत खाते का नाम होगा बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ये और बचत खाते होते हैं उनसे थोड़ा अलग होता है, इसमें कुछ लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन क्या उसको समझेंगे। बट यहां तक समझ में आ गया मेरे भाई, यहां तक क्लियर हो गया? ये गुरु जी ये क्लास आरबीआई ग्रेड भी, नाबार्ड से भी, सिड भी, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पर बैंकिंग अवेयरनेस फाइनेंशियल अवेयरनेस आता है। बात क्लियर हो रही है? यहां तक कोई डाउट? अब प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले यहां पर इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ओके, अभी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, इसकी कुछ लिमिटेशन है, ठीक है, इसकी क्या लिमिटेशन है उसको जरा देख लेते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका बीएसबीडी अकाउंट है, जरा बताएंगे मुझे, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका बीएसबीडी अकाउंट है मेरे भाई? इन नोट्स कैसे बनाए, जैसे नोट्स मैं बना रहा हूं वैसे नोट्स बनाने, बट अभी नहीं बनाने, ठीक है, ये ड्रॉइंग भी आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। मेरा नहीं है, मेरा है, चलो। बीएसबीडी अकाउंट में डिपॉजिट को लेकर एक लिमिटेशन है कि आप इन अ ईयर, एक साल में मैक्सिमम 1 लाख ही डिपॉजिट कर सकते हैं, लिमिट है, बड़ी लिमिट है ना मेरे भाई, 1 लाख, ठीक है, इससे ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते। मतलब आपने अगर ये खाता खुलवाया है, आप इसे कन्वर्ट करा सकते हैं नॉर्मल सेविंग अकाउंट में, लेकिन हाँ, लेकिन इसमें लिमिटेशन है कि भाई 1 साल में आप 1 लाख से ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम इसकी लिमिट है। फाइन, डन, आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट। आपके अकाउंट में अभी कितना बैलेंस है मुझे सच सच बताना, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है अभी? डॉक्टर, टीचर से और लॉयर से, ठीक है, बताइए आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है, मैं चेक कर रहा हूँ, ये नहीं बताना, ठीक है। 2000, 2400, 11000, 3 रुपए, 5 रुपए, 50,000, सब मतलब मेरे भाई अलग 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 बैलेंस यहाँ पर बोल रहे होंगे। मैं जब मतलब वेला था तो मेरे अकाउंट में मेरे भाई 500 रुपए आ जाते, तो मैं अपने को करोड़पति से नीचे नहीं समझता था, ठीक है। अब जरा समझो, इस अकाउंट में अगर आपका अकाउंट है तो उसमें मैक्सिमम बैलेंस एट एनी टाइम 50,000 से ज्यादा मेंटेन नहीं हो सकता, एट एनी टाइम। इस लाइन का मतलब पकड़ पा रहे हो क्या है? थोड़ा चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, सिर्फ रटने से काम नहीं होगा, ठीक है, चीजों को देखने से सुनने से काम नहीं होगा। आप में से काफी ऐसे लोग हैं जो मेंटली प्रेजेंट नहीं होंगे, ख्वाबों में अभी यही चल रहे होंगे, कल से दिवाली आने वाली, दिवाली की छुट्टी रहेगी, घर से निकल नहीं पाऊंगा, अच्छा चलो उससे एक बार एक मिलकर आ जाता हूँ, धनतेरस से चलो उससे मिलकर आ जाता हूँ, उसे घुमा के ले आता हूँ, दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होगा मेरे भाई, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा, बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं चीजें चल रही होंगी, ठीक है, कहीं ना कहीं, अरे यार दिवाली के लिए पटाखे लेकर आने हैं, स्काई शॉट कितने लेकर आने हैं, फुलझड़ी कितनी लेकर आनी है ये बताइए, अनार के बम कितने लेकर आने, दिमाग में चल रहा होगा ना मेरे भाई। सबकॉन्शियस माइंड को मेरे भाई थोड़ा रेस्ट दो, मेरे साथ ना कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करो और मेरे साथ मेंटली प्रेजेंट रहो, चीजों को समझने की कोशिश करो कि ये 50,000 जो ये बैलेंस है इसका लाइन का मतलब क्या है। इन्होंने कहा है कि इस अकाउंट में एट एनी टाइम जो बैलेंस है वो 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही मेरे भाई? एट एनी टाइम मतलब आपके अकाउंट में 50,000 से ज्यादा बैलेंस हो ही नहीं सकता। अगर आपके अकाउंट में मतलब आप सोचो कि यार 55,000 हो जाए, नहीं, मैक्सिमम बैलेंस आपका 50,000 ही रह सकता है, ठीक है, एक समय मतलब कभी भी आपका 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, एक्सीड नहीं कर सकता। हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रही है यार, क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा इतना गंदा मत बोलो यार प्लीज, यही मेरी राइटिंग है यार, ठीक है, इतना गंदा मत बोलो, बहुत दिल को चुभेगा। एक्सप्लेनेशन इतना बढ़िया दे रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, इमोशनल नहीं होके बोल रहा हूँ, लिटरली ऐसा मत करो यार, बहुत दुख होता है, दिल को चोट लगती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते मेरे भाई, इन्होंने बोला कि जो विड्रॉ की बात हो रही है कि अगर आप अकाउंट से पैसा निकालते हैं,
आप मैक्सिमम पैसा कितना निकाल सकते हैं? 10,000 रुपए। ये सब एग्जाम के क्वेश्चन थे। सबसे ज्यादा फेवरेट मानो क्या एग्जाम का क्वेश्चन, तो तुम सोच भी नहीं सकते, BSBDA की फुल फॉर्म। पता नहीं एग्जामिनर को उसमें मजा क्या आता है। ठीक है, विड्रॉ 10,000 कर सकते हैं और वो भी मैक्सिमम 4 times। मतलब 4 times का मतलब क्या है, आपको कैश करो ऑनलाइन करो 4 बार में आप 10,000 निकाल सकते हो, या तो एक बार में 10,000 निकाल लो, आपको 4 transactions मिलती हैं। 1,00,000 कैसे डिपॉजिट होगा सर, यही तो मुझे पूछना था। 1,00,000 लिमिट है मेरे भाई, लिमिट लिमिट 1 साल की। मतलब अभी तूने 10,000 किया, 90,000 और लिमिट बाकी है, तूने 10,000 और कर दिया, 80,000 की लिमिट बाकी है, तूने 5,000 और डाल दिया, अब 75,000 की लिमिट बाकी है, तूने 5,000 फिर और डाल दिया बेटा, अभी तेरी 70,000 की लिमिट बाकी है। इस तरीके से ये 1 महीने में है, ये जो विड्रॉ है बेटा, ये वाला इन अ मंथ, इन अ मंथ। बात समझ में आ गई सर? 10,000 डिपॉजिट, 50,000 बैलेंस कैसे? अमा तुम्हारी ऐसी की तैसी, 10,000 डिपॉजिट कहां है, 1,00,000 डिपॉजिट है, पता नहीं 1,00,000 कैसे लिमिट, एक लिमिट है बेटा। जैसे आपने BSBDA खाता खुलवाया, तो BSBDA खाते में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैं खाता खुलवाने के लिए गया, तो मैंने उससे बोला कि भाई इसका कुछ लिमिटेशन है मेरे को बता दे, तो उसने बोला कि हाँ 1,00,000 मैक्सिमम आप डिपॉजिट रख सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो पूरे साल में। तो आज अगर आपने 10,000 कर दिए, आपने 5,000 आज कर दिए, आपने आज 5,000 डिपॉजिट कर दी, तो आपकी 95,000 की लिमिट बाकी, आपने 2,000 और कर दी, आपकी बेटा 97,000 की लिमिट बाकी, 93,000 की लिमिट बाकी है, आपने 3,000 और कर दी, आपकी 90,000 की लिमिट बाकी है, आपने फिर 5,000 और कर लिया, आपकी 85,000 की लिमिट बाकी है। बात समझ में आ रही है? 1 मंथ में 10,000 करके बेटा 10,000 रुपए आपको बोल दिए निकालने के लिए। अब आप एक बार में 10,000 निकाल लो, या फिर 2,000 या 2,500 करके 4 बार में निकाल लो मेरे भाई। ठीक है, चाहे पेमेंट कैश हो, चाहे वो विड्रॉल फॉर्म हो। बैलेंस कितना रख सकते हैं बेटा? ये 50,000 क्या लिखा है, 50,000 और बस 50,000। हमारे यहां PNB एंड SBI के लिए तो ये लिमिट ज्यादा ही होगा बेटा। BSBDA में लिमिट सबकी सेम है, नो पक्षपात, BSBDA की बात कर रहा हूं मैं। रिची, अरे मेरी बहन रिची रिच, ये बता तू इतनी देर से कह रही है कि 50,000 लिमिट है, तो 1,00,000 डिपॉजिट कैसे। मेरी बहन यूं भाई त्यों खाता है, तूने खुलवाया लो, अब बाद में तू 50,000 रुपया रख सके, 50,000 से ज्यादा वहां में बैलेंस ना रह सके। जैसे पर्स हो गो भैया, जैसे मेरे पर्स है, वहां में 10,000 20,000 5,000 2,000 500 रुपया रख सकूं, बाकी एक लिमिट होगी ना, बातें ज्यादा ना मैं रख सकूं, फट जाएगा ना तो पर्स, यही तो होगा मेरे भाई, ज्यादा पैसा रख लेते तो पर्स बेकार रह जाएगा। ऐसे ही BSBDA की लिमिट है, बैलेंस 50,000 एक समय में रह सकता है, लेकिन आप पूरे साल में 1,00,000 आपको लिमिट दी गई है कि आप धीरे धीरे करके 1,00,000 तक जमा कर सकते हैं वो, लेकिन एक समय 50,000 से ज्यादा नहीं हो पाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया, ये बैकग्राउंड समझ में फाइनेंशियल इंक्लूजन का, क्यों मैं ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की इतनी चर्चा कर रहा हूं? सर आप कहां से हो बेटा? उत्तर प्रदेश आगरा। ऑल क्लियर? 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इस बैकग्राउंड को समझ लो, फटाफट से रिवाइज कर लो मेरे भाई। श्री राधा रमन हरि बोल। इसके नोट्स बनाए, नोट्स बनाने होंगे बेटा। मैं कह रहा हूं कि आप 4 बार में पैसा निकाल सकते हो, चाहे वो आप ATM से निकालो, चाहे ऑनलाइन निकालो, चाहे विड्रॉल फॉर्म से निकालो। 10,000 रुपए निकाल लें भाई, एक बार में निकाल ले, क्यों 4 बार में निकालना है? BC की फुल फॉर्म, बिजनेस करस्पॉन्डेंट है यार, मजे ले रहे हो कि पूछ रहे हो मेरे भाई? BSBDA नो फ्रिल अकाउंट, हाँ शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है मेरे भाई, अलग नहीं है। नो फ्रिल अकाउंट के नाम बदलकर BSBDA किया गया और उसको प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अटैच कर दिया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना बाद में पढ़ाऊंगा, ये योजना वाले टॉपिक में कवर करूंगा मेरे भाई इसको, PMJDY को अभी नहीं कवर कर रहा इसमें। बात समझ में आई मेरे भाई? BF क्या है, ज्यादा ही मजे ले रहे हो भाई। बिजनेस फैसिलिटेटर ठीक है, बिजनेस करस्पोंडेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर, ओके। अब जरा आगे बढ़ते हैं
ये हुए वित्तीय समावेशन के उदाहरण। इसका एक और उदाहरण है, ये अभी एग्जांपल मैंने दिए, एक है पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। अब ये पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक का मतलब क्या है? मतलब ये है कि भाई आरबीआई ने कहा कि हमारा उद्देश्य वित्तीय समावेशन है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंक, तो उसके लिए इन्होंने एक नया बैंक का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, पेमेंट बैंक का, स्मॉल फाइनेंस बैंक का। हमारे देश में अभी कुल मिलाकर 6 पेमेंट बैंक है और 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ओके, 6 पेमेंट बैंक और 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनके नंबर पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कितने पेमेंट बैंक है, कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन लोग फिर भी इसको टिक नहीं कर पाते हैं। अब हमें समझने की जरूरत है, आज का जो टॉपिक हम लोगों को कवर करना है वो पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक डिटेल में कवर करना है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका पेमेंट बैंक में खाता है, मुझे बताइए। आप में से में खाता, अच्छे खाते बैंक हैं। अब क्यों अच्छे बैंक है, ये लोगों को लुभावने ऑफर अच्छे देते हैं। लुभावने ऑफर का मतलब समझते हो तुम? हाँ सर, जैसे दिवाली में आपको एक फुलझड़ी के साथ एक अनार बम फ्री मिल जाए, ये लुभावना ऑफर है, तो आप मेरे भाई 4 फुलझड़ी खरीद लोगे, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पर ये भी लुभावने ऑफर देते हैं। लुभावने ऑफर में चलता क्या है, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई देते हैं। और जैसे और बचत खाते खुलवाओगे आपको 2% 3% इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पर 6-7% इंटरेस्ट भी दे देते हैं। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर हो रही है मेरे भाई? यस और नो? सर 4 बार 10,000 डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हैं? नहीं बेटा, 10,000 को 4 बार में निकाल सकते हैं। पेमेंट बैंक किसे कहते हैं वो बताता हूं मैं। पेमेंट बैंक एक प्राइवेट बैंक है, पहले तो इस बात को समझो, एक एक करके समझते हैं। पेमेंट बैंक क्या है, एक सब आगे लिखा हुआ है लेकिन पहले समझ लेते हैं, ठीक है। पेमेंट बैंक क्या है सर, एक प्राइवेट बैंक है, ठीक है, प्राइवेट बैंक। किसी को भी अभी पेमेंट बैंक ओपन करना है, पेमेंट बैंक खाता नहीं, पेमेंट बैंक ओपन करना है, तो मिनिमम जो कैपिटल है रिक्वायरमेंट है ये 100 करोड़ है। कितनी भाई? 100 करोड़। ये एग्जाम का क्वेश्चन बना था कि अगर पेमेंट बैंक, जैसे कि हमारे देश का जो फर्स्ट पेमेंट बैंक है इज एयरटेल पेमेंट बैंक, फर्स्ट पेमेंट बैंक कौन सा बेटा? एयरटेल पेमेंट बैंक। बात समझ आ रही है? फर्स्ट पेमेंट बैंक कौन सा है? एयरटेल पेमेंट बैंक। एग्जाम का क्वेश्चन बना था कि देश का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? एयरटेल पेमेंट बैंक। सब याद करा दूंगा मैं, अभी बस सुनते चलो। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है इस बैंक को ओपन करने के लिए? 100 करोड़ रुपीज। दो प्रकार के डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। एक होता है डिमांड डिपॉजिट और एक होता है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में दो अकाउंट खुलते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, और टाइम डिपॉजिट में दो खाते खुलते हैं, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट। ये जो पेमेंट बैंक है ये डिमांड डिपॉजिट की सुविधा तो देता है बट टर्म डिपॉजिट की सुविधा नहीं देता है। ये टर्म डिपॉजिट की सुविधा नहीं देता है मेरे भाई। बात समझ में आ रही? मतलब अगर आप पेमेंट बैंक में खाता खुलवाते हैं तो आप कौन सा खाता खुलवा सकते हैं? पेमेंट बैंक में आप कौन सा खाता खुलवा सकते हैं मेरे भाई? ओनली डीडी नॉट टीडी। यस, रिकरिंग क्या होता है, ये क्या होता है सब बताऊंगा अभी। रिकरिंग अकाउंट, फिक्स अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये सब बताऊंगा अभी, रुक जाओ, तसल्ली कर लो, जो भी मैं बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। पेमेंट बैंक मेरे साथ बोलिए बेटा, पेमेंट बैंक हमारे देश में टोटल कितने हैं? टोटल पेमेंट बैंक भारत में कितने हैं? टोटल पेमेंट बैंक, टोटल पेमेंट बैंक भारत में 6 हैं। पहला पेमेंट बैंक भारत में कौन सा है? सर एयरटेल पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक। ओके, फर्स्ट एयरटेल पेमेंट बैंक। अच्छा ये बताओ पेमेंट बैंक में डिपॉजिट की सुविधा है? हाँ जी, डिपॉजिट की सुविधा है। सर कितना डिपॉजिट है? डिपॉजिट मतलब कौन कौन से हो सकते हैं? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट खुल सकता है यहाँ पर,
ठीक है, लेकिन आप रिकरिंग अकाउंट फिक्स अकाउंट नहीं खोल सकते। यहीं पर एक चीज और याद रखना, ये लोन प्रोवाइड नहीं करता। यस, लाइक अदर बैंक, लाइक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, लाइक अदर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, ये लोन प्रोवाइड नहीं करता, ये सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। और कौन सा डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है सर? डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता, ओनली ओनली डिमांड डिपॉजिट, ओनली डिमांड डिपॉजिट। ओके, टोटल पेमेंट बैंक कितने हो गए? 6 हो गए। आगे यहां पर मैक्सिमम जो आपके खाते में पैसा डिपॉजिट हो सकता है, डिपॉजिट, ये सालाना लिमिट नहीं है इसका कोई, बीएसबीडीएस इसकी लिमिट अलग है, इसमें डिपॉजिट की मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख रुपए एंड ऑफ द डे। ठीक है, ये एक लिमिट है। मतलब अगर मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक में खाता है, अगर 1,90,000 रुपए अकाउंट में पड़े तो मैं 10,000 और डाल सकता हूं, मैं 10,000 1 रुपया नहीं डाल पाऊंगा। 1,80 पड़े तो 20,000 रुपए और डाल सकता हूँ मेरे भाई, इससे ज्यादा नहीं डाल पाऊंगा। फिर 2 लाख रुपए खाली कर दूं और 2 लाख रुपए फिर दोबारा डाल दूं, तो 2 लाख रुपए मैक्सिमम जमा हो सकते हैं। मैक्सिमम पहले लिमिट थी, अर्लियर लिमिट वॉज 1 लाख, अर्लियर लिमिट वॉज 1 लाख। ये वीडियो रिकॉर्डेड भी मिलेगा क्या? हाँ जी, रिकॉर्डेड भी मिलेगा मेरे भाई, खुद भी देखना, दो चार दोस्तों मित्रों को भी दिखाना, समाज सेवा भी जरूरी है मेरे भाई। ओके, कोई रिप्लाई भी तो दीजिए। मिनिमम लिमिट क्या है? मिनिमम मिनिमम लिमिट नहीं है कोई, 1 रुपया भी जमा करो ठीक है, मैक्सिमम लिमिट है यहाँ पर 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं कर सकते पर डे सर। 2 लाख नहीं, नहीं पर डे 2 लाख नहीं है, आज 2 लाख कर दिए, कल 2 लाख कर दिए, 4 लाख हो गए, नहीं ऐसा नहीं है। ये एंड ऑफ द डे, मतलब इसमें एंड ऑफ द डे का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में अगर आज आप सो रहे हैं शाम को, तो मैक्सिमम बैलेंस 2 लाख हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। 2 लाख, कल आपका बैंक से आपने 50,000 रुपए निकाल लिए, 1,50,000 रुपए पड़े, 50,000 और जमा कर दो, 50,000 1 रुपये जमा नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपने पूरा खाता खाली कर दिया, फिर 2 लाख रुपए डाल दो मेरे भाई, 2 लाख रुपए से ज्यादा उसमें आएंगे नहीं। जैसे बॉटल है, ये 1 लीटर की बॉटल है मेरे भाई, 1 लीटर की बॉटल पानी, इसमें 1 लीटर से ज्यादा नहीं आएगा ना, बस यही है। अब इसे 1 लीटर को मैं पी लू, फिर पानी भर लू, 1 लीटर ही तो आएगा, फिर पी लू, फिर भाई फिर भर लू, फिर पी लू, फिर भर लू, फिर पी लू, भर लू, पी लू, भर लू, पी लू, भर लू, क्या होगा बेटा? 1 लाख, 1 लीटर, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे तो ज्यादा नहीं होगा। बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही है मेरे भाई? सर 5 लाख डाल के उसी दिन 4 लाख निकाल ले, तो मैं बोल तो रहा हूं इस बोतल में तू 5 लीटर डाल दे मेरे भाई, मैं यार लिमिट 5 लाख कर दूंगा। ले बेटा, ले बाबू, ए मेरे सोना, ले बेटा, ए इसमें 5 लीटर डालना मेरे भाई, ए भाई प्लीज 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 5 लीटर डालना इसमें, 5 लीटर प्लीज। बाबू ए मेरा बच्चा, सुनना कहाँ गया, अब नहीं दिख रहा, कहाँ चमक गया, 5 लीटर डालना इसमें, आ जाएगा? नहीं आएगा ना, 1 लीटर लिमिट है, तो फिर कैसे 5 लीटर आ जाएगा? 2 लाख मैक्सिमम आएगा इसमें, ठीक है बात समझे? 2 लाख मैक्सिमम। आगे बढ़ते मेरे दोस्त, एक होता है एफडीआई। एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर एक बैंक भारत में खुला है तो उसमें मैक्सिमम विदेशी हिस्सेदारी कितनी हो सकती है, उसको बोलते हैं एफडीआई। एफडीआई से पापा भी हंस रहे हैं, शुक्रिया। ठीक है, अभी जरा समझना मेरे दोस्त, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है कि एक बैंक में मैक्सिमम, अगर कोई बैंक प्राइवेट है, या मैंने शब्द यूज किया था, इट इज अ प्राइवेट बैंक। ओके, प्राइवेट बैंक, अभी कोई प्राइवेट बैंक खुला तो उसमें भारतीय की हिस्सेदारी, जैसे कोई मैं हूं फॉर एग्जाम्पल, मैंने पेमेंट बैंक खोला तो मेरी कितनी हिस्सेदारी हो सकती है, और मैक्सिमम फॉरेनर की कितनी हिस्सेदारी हो सकती है। कोई विदेशी इन्वेस्टर है, आपको वहां से बैठ के कोई कह दे, अमेजोन का मालिक, यार मैं पेमेंट बैंक में तेरे में ना इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, बता मेरे को मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट है 74%। असल में 74% एफडीआई प्राइवेट बैंक के केस में लागू होती है, प्राइवेट बैंक के केस में, और जितनी प्राइवेट बैंक के केस में एफडीआई लागू होती है, उतनी ही पेमेंट बैंक के केस में भी लागू होती है। एफडीआई की फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखो इसके नाम में लिखा हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशों से निवेश, डायरेक्टली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। शुद्ध हिंदी में बोलू तो मेरे दोस्त, मेरे को फोन आता है, एक किसका फोन आता है मेरे को, ओबामा का फोन आया, अरे आशीष भाई कैसा चल रहा है? मैंने कहा ओबामा जी बढ़िया चल रहा है, और सुनाओ तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है? अरे यार हमारे यहाँ क्या चल रहा है, हमारे राष्ट्रपति तो इसराइल में लगे हुए हैं। अरे मैंने कहा छोड़िए उन्हें, खैर जाने दीजिए, आप बताइए आप क्या चाहते हो।
अच्छा ये बताओ, हमने सुना है कि तुमने पेमेंट बैंक लिया, एक बहुत बड़े आदमी हो गए। मैंने कहा नहीं सर, आपसे तो छोटे ही हैं। अच्छा ये बताओ, पेमेंट बैंक में कुछ पैसा हम भी लगा दे? हाँ लगा दो, क्या दिक्कत आ रही है, लगा दो, बताओ कितना लगाओगे। तो उन्होंने कहा तुम बताओ तुम्हारे यहाँ मैक्सिमम कितनी लिमिट है तुम्हारे बैंक में लगाने की। मैंने कहा सर देखो, मैंने सरकारी नहीं, मैंने प्राइवेट बैंक खोला है, और प्राइवेट बैंक खोलने पे ये होता है कि सरकार ने क्लियर बोल रखा है कि भाई आशीष सुन, तू मैक्सिमम 74% तक विदेशी किसी बंदे का इन्वेस्टमेंट ला सकता है, बाकी हिस्सेदारी तेरी रहेगी। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है? 74% ऑफ व्हाट सर? बेटा 74%, अगर 100 रुपये उसमें कैपिटल लगी है तो 74% कैपिटल उसमें एक विदेशी बंदा लाएगा। जैसे 100 रुपये उसमें लगाए, फॉर एग्जाम्पल तुम क्रिकेट खेलते हो? क्रिकेट क्रिकेट कभी खेला मेरे भाई? बचपन में हम लोगों को बॉल खरीद के लानी होती थी, तो बॉल कैसे आती थी मेरे दोस्त? 2 रुपये तू मिला, 3 रुपये मैं मिला, 5 रुपये किसके, वो 2 रुपये टोटल का, 2 रुपये टोटल में से 2 रुपये ना मेरे भाई। वैसे टोटल जितनी पूंजी उस बैंक में लगेगी, उस पूंजी का 74% जो होगा वो कौन, ये मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट दिख रही है ना मेरे भाई, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसमें से 74% कौन लगाएगा मेरे दोस्त? एज ए एफडीआई के तौर पे एक विदेशी निवेशक लगाएगा। बहुत सही क्लास है सर आपकी, शुक्रिया निहारिका। बेटा 26% हमको लगानी है, क्या बात है नेहा, आज से बिजनेसमैन। हाँ बेटा हमको, हमसे मतलब, ये हमारा मैक्सिमम इंडियन का शेयर 26% हो सकता है। फिर क्या पता वो 74 ना ले, वो कहेगी नहीं मेरे को 40% ही चाहिए। 74% एक मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है सर, पेटीएम बैंक के नेम भी, पेमेंट बैंक के नेम भी पूछे, सब याद करा दूंगा, फिर तो वही ओनर बन जाएगा। हाँ जी वही ओनर बन जाएगा, मेजोरिटी स्टेक उसके पास होगा। एफडीआई गवर्नमेंट बैंक में 20% है। नाइस, आगे पढ़ेंगे इसको हम लोग। उदाहरण के तौर पे 76 करोड़ रुपए तक वो दे, 74 करोड़ तक। मजा आ रहा है सेशन में, ओके शुक्रिया वर्षा, तसल्ली करो, तसल्ली करो बेटा, तसल्ली, थोड़ा सब्र रखो। ठीक है, फर्स्ट मजा आ रहा है ये सब पढ़ने वाला, वरना बोर हो जाते हो। ओके अभी पढ़ो, देखो अभी बहुत मजा आएगा मेरे, उस महफिल है ये, इसका आनंद दिलाऊंगा मैं तुम्हें। मैं उस टाइप का ना खुद स्टूडेंट रहा हूं जिसको वो किताबी कीड़ा बन के पढ़ने की आदत थी, अपन को मजा पसंद है। ओके मजा मजा मजा, और मजे मजे में सिलेक्शन ले जाएंगे हम लोग, मजे मजे में सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक है, यहां तक भी पहुंचाऊंगा तो मजे मजे में पहुंचाऊ, मेहनत और मजा मेरे भाई, यहां से हल्के रहो, इसको लोड लेके मत पढ़ो। तुम में से भी काफी होंगे चौधरी समझ रहे होंगे, लिख रहे होंगे आज ही कलेक्टर बन जाएंगे, ओहो एक दिन स्किप हो जाए, एक भी दिन, कल तो बैठ के रंगोली सजानी है, रंगोली आज बैठ के लिख ले। ये भाया कुछ नहीं समझ में आएगा, लिखने में रह जाएगा, थोड़ा सब्र कर ले, रंगोली कल लगा लियो और कल ही बेटा यहाँ पर लिख भी लियो, अभी समझ ले। ठीक है, ध्यान दे ले, पेमेंट बैंक समझ में आ गया, पेमेंट बैंक पढ़ाता हूँ नोट से मेरे भाई। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक क्लियर है सब कुछ? ऑल ओके, ऑल ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ पहले बीएसबीडी और एक बार रिवाइज करा दू, देखो बीएसबीडी लिखा है, ये हिंदी में कंटेंट, अगले नेक्स्ट टॉपिक में इसका हिंदी कर दूंगा मैं। जितने भी एग्जिस्टिंग नोफ्रिल अकाउंट है वो सारे के सारे बीएसबीडी में कन्वर्ट हो गए थे। टोटल जो क्रेडिट हो सकता है उस अकाउंट में शुड नॉट एक्सीड 1 लाख रुपए इन ईयर, 1 लाख से ज्यादा मेरे भाई टोटल क्रेडिट नहीं हो सकता। जो मिनिमम बैलेंस होगा अकाउंट में शुड नॉट एक्सीड 50,000 रुपए एट एनी टाइम, यही बताया था मैंने। द टोटल ऑफ डेबिट बाय वे ऑफ कैश विड्रॉल एंड ट्रांसफर विल नॉट एक्सीड 10,000 रुपए इन अ मंथ, एक बार इसको रीड कर लेना, यही था। ठीक है, जिनकी पहली क्लास है सब्र करो, जिन्होंने शुरुआत से नहीं देखा होगा उनको थोड़ा समय लगेगा। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी रास्ते पे आप जाते हो, किसी को वो रास्ता याद रह जाता है, किसी को वो रास्ता याद नहीं रहता। बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उस रास्ते के दौरान कितने लोग मेंटली प्रेजेंट थे। बहुत बार होता है हम एक रास्ते से निकलते हैं हमें फिर भी याद नहीं रहता, बट कोई होता है उसे याद हो जाता है। कितना कॉन्शियस होकर पढ़ रहे हो, थोड़ा सब्र रखो, चीजें समझ में आने लगेंगी अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो रहा है। ओके ऑल डन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। श्री राधा रमन हरि बोल। ये रहा पेमेंट बैंक, इसे पढ़िए बेटा पेमेंट बैंक को, जब डन होने लगे तो मेरे को बताना। डिसिप्लिन प्लस, इसका पीडीएफ मिलेगा क्या? हाँ जी पीडीएफ मिलेगा इसका।
सर करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे प्रिपेयर करें? देखिए यार, एफएलसीयू तू बड़ा ना मतलब कंफ्यूजन में है। तू इस टॉपिक को भी पढ़ना चाह रहा है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना चाह रहा है, तेरे मन में बहुत कुछ चल रहा है। थोड़ा सब्र रख बेटा, थोड़ा सब्र रख, समय लगेगा तेरे को थोड़ा समझने में। अभी जिस ट्रैक पे उस ट्रैक पे समझना, भगवान शिव के दर्शन करने जाने, अरे प्रभु ये बताओ वृंदावन कब चलेंगे? अरे यार पहले भगवान शिव के दर्शन तो कर ले मेरे भाई, फिर बाद में मेरे दोस्त तो भगवान कृष्ण के भी कर लियो। लेकिन तेरे को तो एक साथ ही सारे दर्शन करने हैं, सारे नेत्र तेरे को एक ही साथ चारों तरफ चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता भाई। पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, डन। डिमांड डिपॉजिट मतलब यहाँ पर करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ओपन होगा मेरे भाई, ओके। इट कैन नॉट एक्सेप्ट टर्म डिपॉजिट यानी रिकरिंग अकाउंट, फिक्स अकाउंट यहाँ पर ओपन नहीं हो सकता, क्लियर है। पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ अप टू 2 रुपी 2 लाख पर कस्टमर, मतलब एक अकाउंट में एक बंदा अपने अकाउंट में 2 लाख से ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकता, ठीक है। बात क्लियर हो गई। कासा क्या है? कासा बेटा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट होता है, भी पढ़ाऊंगा मैं डिटेल में से। बस अभी के लिए इतना याद रख लो कि ये दो प्रकार के डिपॉजिट होते हैं, दो प्रकार के खाते होते हैं, सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट, बचत खाता चालू खाता सुना होगा ना, ये रिकरिंग अकाउंट फिक्स अकाउंट, ये बैंक में खाते जो खुलते हैं उनके प्रकार है। तो ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा। पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू 2 लाख, मैक्सिमम आपके अकाउंट में 2 लाख से ज्यादा डिपॉजिट नहीं जा सकता है। पहले इसकी लिमिट होती थी 2 लाख डिपॉजिट 1 ईयर, नहीं वो बीएसबीडीए में लिमिट थी। ये पेमेंट बैंक है बेटा, बीएसबीडीए अलग है, वो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता है, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए अपने दिमाग में, वो अलग एक अकाउंट हो गया। ये जो है पेमेंट बैंक है, पेमेंट बैंक एक बैंक का प्रकार बता रहा हूं कि अगर पेमेंट बैंक में जाके अगर आप खाता खुलवाते हो, चाहे बचत खाता चाहे चालू खाता, तो उसकी लिमिट 2 लाख रुपए इन ईयर नहीं है, 2 लाख रुपए अकाउंट की लिमिट है। अकाउंट में आप 2 लाख रुपए से ज्यादा रख ही नहीं सकते, जमा नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? उसमें बैलेंस ही 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता मेरे भाई, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। पेमेंट कैन नॉट गिव लोन, ये लोन नहीं देगा तो क्रेडिट कार्ड भी नहीं देगा। इट प्रोवाइड डेबिट कार्ड, ये डेबिट कार्ड देता है यानी एटीएम कार्ड इशू करता है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड टू ओपन दिस बैंक इज ₹100 करोड़, इस बैंक को ओपन करने के लिए जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 100 करोड़ रुपीज है, 100 करोड़ रुपए है, 100 करोड़ रुपए, कोई दिक्कत? सर ये फर्स्ट चैप्टर, हाँ जी फर्स्ट चैप्टर है। आगे जो पेमेंट बैंक की ब्रांचेस हैं उनको बुला के 25% उनको अनबैंक्ड रूरल एरिया में ओपन करना है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का तर्क क्या है, इसके पीछे का? सर पेटीएम बैंक दे रहा है क्रेडिट कार्ड, नाइस। मेरे को यही तो देखना था कि कौन है इस बीच गांगुली, जिस जो करेगा बीच बीच में उंगली। तो बेटा मेरे गांगुली जरा सुन ध्यान से, एक दिन की बात थी, आई लव गोलगप्पे, ओके। मैं गोलगप्पे खाने के लिए गया, अब मैं गोलगप्पे खाने के लिए गया तो मुझे मेरे भाई आटे के गोलगप्पे पसंद है, ठीक है। और उस दिन मन हुआ कि यार सूजी के गोलगप्पे भी खाने हैं। मैं किसके पास गया गोलगप्पे खाने के लिए? आटे वाले के पास। अब मैंने उससे कहा भाई सूजी के गोलगप्पे खिला क्या? सूजी के गोलगप्पे खिलाऊं? दिख रहे तेरे को गोलगप्पे सूजी के? जो तेरे को सूजी के गोलगप्पे खिलाऊं, आटे के खाओ निकल ले, समझ ना मेरे भाई। मैंने कहा सुन ना, देख तेरे बगल वाले के पास सूजी के है ना, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, तेरा जो पानी है वो बढ़िया है, तू आलू का जो पेस्ट बनाता है वो बढ़िया है, तेरे यहाँ ये चीजें बढ़िया है, तो एक काम कर तू कुछ गोलगप्पे उससे ले ले। उसने उससे गोलगप्पे लिए और मेरे को खिला दिए, उसको पेमेंट मैंने कर दिया यहाँ पर पूरा आटे और सूजी का, फिर उसका सेटलमेंट है वो होता रहा। क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है? ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है क्या नहीं है मेरे भाई? ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं? ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है? यस। आप पेमेंट बैंक में गए, खाता खुलवाया, ठीक है, वो डिमांड डिपॉजिट की सुविधा दे रहा है बट वो टर्म डिपॉजिट की सुविधा नहीं दे रहा, लेकिन उसने किसी और बैंक के साथ एक टाई अप कर रखा है, उसने कहा है कि इस बैंक के साथ मिलकर मैं तुम्हें टर्म डिपॉजिट की सुविधा दूंगा, बट एज पर आरबीआई सर्कुलर, आरबीआई के अकॉर्डिंग पेमेंट बैंक खुद अपने यहाँ पे टर्म डिपॉजिट की सुविधा नहीं देगा, वो अपने यहाँ से क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करेगा, लेकिन उसने किसी दूसरे बैंक के साथ टाई अप कर रखा है जिसको कि अलाउ किया गया है, और उसको अलाउ किया गया तो वो यहाँ पर मेरे दोस्त इसके बिहाफ पर यहाँ पर पेमेंट बैंक ये सुविधा दे दे रहा है। बट आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन, क्या पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करता? आंसर आपका आएगा नो। क्या पेमेंट बैंक टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करता? आपका आंसर आएगा नो। ओके, पेटीएम एसबीआई से क्रेडिट कार्ड देता है, आपके सवाल में आपका जवाब है, ठीक है। यह सर पेटीएम एनबीएफसी के थ्रू देता है क्रेडिट कार्ड, आपके सवाल में आपका जवाब है मेरे भाई, ठीक है।
मतलब थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी आप कह सकते हो, बट हाँ थर्ड पार्टी कह सकते हो कि तीसरा यह पार्टी इसके साथ मिलकर ही कर रहा है, ठीक है, ऑल ओके, बट एक बैंक के साथ टाइप कर रहा है, ऑल ओके। इस लाइन का मतलब ये कि अनबैंक्ड रूरल एरिया फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ही तो पेमेंट बैंक को शुरू किया गया था, और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए मेरे दोस्त यहां पर कहा गया कि भाई तू जितनी भी ब्रांचेस अपनी ओपन करेगा उसका 25% तेरे को अनबैंक्ड रूरल एरिया में ओपन करना पड़ेगा, अनबैंक्ड रूरल एरिया में, ओके डन, ऑल ओके। आगे बढ़ते हैं, फॉरेन शेयर होल्डिंग इज परमिटेड एज पर रूल फॉर एफडीआई इन प्राइवेट बैंक। कितनी है फॉरेन शेयर होल्डिंग? 74%। अभी मैंने